लास्ट क्लास में हमने किया था सदर्न हिली रीजन और एक किया था अंडमान एंड निकोबार। तो इस पिछले टॉपिक से क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो। चार ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी। पहले पर दिया गया नीलगिरी पहाड़ी, दूसरे पर दिया गया अन्नमलाई पहाड़ी, तीसरे पर दिया गया कार्डमम पहाड़ी, चौथे पर दिया गया पालनी पहाड़ी, और फिर पूछा गया कि वेस्टर्न घाट माउंटेन और ईस्टर्न घाट माउंटेन कहाँ मिलते हैं, उनका मीटिंग कहाँ होता है, कौन से पहाड़ पर। चलो बताओ, पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत कहाँ मिलते हैं। अब जवाब आना चाहिए, जवाब आप लोग दोगे चैट वाले सेक्शन पे, जो चैट विथ डीके उपाध्याय सर लिखा है ना, उस पर जवाब दो जल्दी से। अब जवाब आओ, जवाब आप जल्दी दोगे उतना जल्दी क्वेश्चन होगा। एक बार बताओ कितने लोग क्लास किए थे पिछला वाला, जो भी पिछला क्लास हुआ था, ऋषभ आप किए थे। आपका जवाब सही है, खुश रहो बेटा, खुश रहो, भगवान आपको जल्दी से सक्सेस करे। तो बताओ कितने लोग क्लास किए थे पिछला वाला। राधा, नीतीश, क्या आप लोग क्लास नहीं किए थे, क्योंकि ऋषभ का जवाब सिर्फ सही आया है, ऋषभ ने बताया ए। विदुषी बेटा आप बताओ, आप क्लास की थी पिछला वाला, क्लास की थी, तो इसका आंसर बताइए, पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत कहां मिलते हैं, मीटिंग कहां होती है, पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत का मीटिंग, उनका मिलन बिंदु कहाँ है। तो देखो बेटा ऐसे ही तो बताया गया था, इसीलिए तो क्लास करना भी तो जरूरी रहता है, एक दिन क्लास करने आओगे फिर तमाम चीजें होंगे उसी में, टॉपिक से ही सवाल पूछे जा रहे हैं, उसके बाद आप लोगों का गलत हो रहा है। ऋषभ का सही बताया। देखो ऐसे मैंने उस दिन बताया था कि यहां से ऐसे आता है पश्चिमी घाट पर्वत, फिर ये ऐसे पूर्वी घाट पर्वत, मतलब ये वेस्टर्न घाट माउंटेन है और ये क्या है ईस्टर्न घाट माउंटेन। वेस्टर्न घाट माउंटेन और ईस्टर्न घाट माउंटेन जहां मिलते हैं यहीं से शुरू हो जाता है ऐसे नीलगिरी, फिर उसके बाद है कार्डमम। यही बताया था ना बेटा, जितने लोग क्लास किए थे एकदम ख्याल होगा, बीच में कार्डमम है, फिर तीसरा है नीलगिरी, उसके बाद अन्नामलाई, सॉरी नीलगिरी उसके बाद अन्नामलाई, कार्डमम, कार्डमम साउथ में है एकदम, तो नीलगिरी उसके बाद अन्नामलाई और उसके बाद कार्डमम, है ना, कार्डमम। यही कार्डमम के बगल में, यही देखो, यही आपका भारत का या मुख्य भूमि के भारत का सबसे सदर्न पॉइंट है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी ठीक है, तो नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम। तो वेस्टर्न घाट माउंटेन और ईस्टर्न घाट माउंटेन कहां मिल रहे हैं, नीलगिरी पहाड़ी पर। वेस्टर्न घाट माउंटेन और ईस्टर्न घाट माउंटेन कहां मिल रहा है, नीलगिरी पहाड़ी पर। दूसरी बात देखो, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच देखो एक ऐसे पास है, इस पास से लोग केरल से तमिलनाडु चले जाते हैं, ऐसे अन्नामलाई और कार्डमम के बीच भी एक पास है, इस पास से भी लोग केरल से तमिलनाडु चले जाते हैं। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, ध्यान से देखो क्या कर दिया जा रहा है इस क्वेश्चन में, देखो क्या लिख दिया गया, देखो इसी क्वेश्चन में लिख दिया जा रहा है क्या, कन्याकुमारी कौन से पहाड़ के
इसमें से कौन से पहाड़ी के नजदीक है, किसके निकट बसा हुआ है कन्याकुमारी, जल्दी बताओ, जल्दी आंसर आना चाहिए। सी, ठीक है, क्या होगा, नीतीश का जवाब आया सी। तो आप ऐसे कह सकते हो कि कन्याकुमारी कौन सी पहाड़ी के नजदीक है। अच्छा, ये सवाल पिछले साल बीपीएससी प्री में आया था, बीपीएससी का जो प्री एग्जाम होता है उसमें आया था। दीपक का भी सही जवाब आया, विदुषी का भी सही जवाब आया। तो कार्डमम जो पहाड़ी है ना, कार्डमम पहाड़ी के बगल में ही है, कार्डमम जो पहाड़ी है उसी के बगल में है, डन, कार्डमम पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी, ठीक है। अगला अगला सवाल बताओ, पिछले क्वेश्चन या पिछले क्लास से संबंधित ही हम सवाल पूछेंगे, ये ध्यान रहे। अगला सवाल बताओ, देखो, नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य कौन सा पास है, जवाब बताओ। इसे तो बिना ऑप्शन देखे जवाब बता सकते हो, तो साफ साफ पढ़ाया गया है। बहुत अच्छा, सोमी, सोमिल, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, आपका जवाब तुरंत आया, बहुत अच्छा जवाब आया, है ना। और कोई बताएगा, जवाब ही बता दो, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य कौन सा पास है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य कौन सा दर्रा है, जल्दी बताओ। सोमिल का जवाब सही आया, कौन सा दर्रा, यही होता है ना क्लास करने का नतीजा। अब ऐसे ही सवाल अगर जो आपके एग्जाम में आ जाएं और आपका छूटे, तो फिर आप डिजर्व कर रहे हो इसका, है ना। आपका छूट जाए अगर जो ऐसा ही सवाल, तो फिर तो भैया आप हो, आपने गड़बड़ किया, तो छूटा आपका। ऐसे नहीं करते भाई, ये गड़बड़ बात है। इसीलिए मैं आप लोगों से सवाल नहीं कर रहा, करने वाला था कि आप लोग क्लास ही नहीं की हो, कैसे सवाल करोगे, क्या क्वेश्चन करा जाए, क्वेश्चन आंसर बताया जाए। एक बात बताओ, क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊं तो वो तो कोई गाइड भी खरीद लोगे, वो भी बता देगा। मैं आखिर किस लिए डिफरेंट हूं कि भाई कोई टॉपिक अगर जो हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसी टॉपिक से संबंधित अगर जो सवाल किए जा रहे हैं, आप लोग नहीं बता पा रहे हो क्योंकि क्लास नहीं किए थे। जितने लोग क्लास किए हैं वो पक्का बता सकते हैं, क्योंकि इतना आसान ढंग से मैं बताया था, है ना। तो देखो, इसमें एक सोमिल ने तुरंत बताया, इसमें आप देख सकते हो पालघाट, ऑप्शन की जरूरत क्या है यार, इतना साफ साफ बताया था, उसमें ऑप्शन की जरूरत क्या है। जिस कॉपी पर लिखे हो कॉपी देख के ही बता देना चाहिए था, पालघाट पास। दूसरा बता दो, ये अन्नामलाई और कार्डमम के बीच, मतलब ये जो पास है ये है पालघाट। अब बताओ, ये जो पास है कार्डमम और अन्नामलाई के बीच, ये बताओ कौन सा पास है, इसका भी नाम बता दो, जल्दी बताओ। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा सोमिल, सेनकोटा। सेनकोटा पास, है ना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपने क्लास किया तो उसका आपको मिल रहा है फल, चलो बहुत अच्छे। तो ये सेनकोटा पास। अब और सवाल बताओ, और सवाल बताइए आप लोग, इसे मैं क्यों हटाऊं, हटाओ, और सवाल बताओ, और सवाल आप बताओ अंडमान निकोबार से। चलो बताओ, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, नॉर्थ अंडमान पे, मिडिल अंडमान पे, साउथ अंडमान पे, लिटिल अंडमान पे,
बताओ आपको क्या लग रहा है, ये पूछा जाएगा अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है, ये तो सबको पता होगा, आप किस मामले में डिफरेंट हो तो बताओ। बहुत अच्छा सोमिल, अच्छा इस सोमिल को ही सिर्फ जवाब पता है, नीतीश का भी जवाब आया सी, नीतीश का भी जवाब आया, सोमिल ने तो बेचारे तुरंत लिख के भेज दी थी, भेज दिए साउथ अंडमान। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सौरभ का भी जवाब आया, क्या नाम है तुम्हारा, ऋषभ, ऋषभ का भी जवाब आया, ठीक ठीक है बेटा, बहुत अच्छा। ऋषभ आप चैट वाले पर मैसेज करो बाबू, चैट वाले सेक्शन पे ऋषभ, हाँ फिर से देखो, ध्यान से देखो आपको क्या पढ़ाया गया था इसमें, एक बार ध्यान से देखना, आपको ये भी बताया गया था कि चलो बताओ भारत इंडिया और म्यांमार, इंडिया और म्यांमार के मध्य समुद्री सीमा बनाने वाला चैनल कौन सा है, बताओ, ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, आप कॉपी देख के ही बताओ, लेकिन बताओ इंडिया और म्यांमार के बीच, इंडिया का नॉर्थ अंडमान है और म्यांमार का कोको आइलैंड, बताओ कौन सा समुद्री सीमा बनाता है भारत और म्यांमार के बीच, ये भी आपको बताया गया था, जल्दी बताना है, जवाब आना चाहिए किसी, गलत ही जवाब दो लेकिन देना है, चलो बंगाल की खाड़ी, पूर्वी ने सही जवाब बताया, पूर्वी, देखो पूर्वी का जवाब है कोको चैनल, कोको चैनल, ऐसा भी जवाब आ सकता है। चलो एक क्वेश्चन और करो, एक क्वेश्चन सिंपल सा और करो, भारत का सबसे सदर्न पॉइंट, भारत का सबसे सदर्न पॉइंट है, पहला तो यही जवाब हो सकता है, यही सवाल हो सकता है कौन सा, तो इंदिरा पॉइंट है, भारत का सबसे सदर्न पॉइंट क्या है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है यही सवाल हो सकता है, लेकिन मैंने सवाल को ही एक और बड़ा सवाल बना दिया, ये कहां है, कहां है, ए बी सी डी, इसमें से किसका किसका जवाब सही आया है मैं बता दूं, पूर्वी का जवाब सही आया है इसमें से, पूर्वी का जवाब सही आया है, जिनका जवाब गलत आया है मैं उनका नाम काहे नाम लिया जाए, लेकिन एक बार मैं पहले बता देता हूं, पूर्वी का जवाब सही आया है, सोमी ने जवाब देने की कोशिश की है लेकिन ठीक ठाक सही है, पूरा सही नहीं है, आधा सही है। अच्छा राधा बता रही है अंडमान निकोबार, बेटा अंडमान निकोबार इतना छोटा नहीं है, कुल 530 आइलैंड हैं उसमें, जो जो थोड़ा रहने लायक है, मतलब जिसमें आप कदम रख सकते हो, कुल मिला जुला के छोटे मोटे आइलैंड मिला जुला के 572 आइलैंड है, तो अंडमान निकोबार इतना छोटा एरिया नहीं है, विदुषी भी बता रही है। अच्छा ऑप्शन देख के बताओ, इस ऑप्शन में बताना है, देखो ध्यान से, पहले पर लिटिल अंडमान, कार सी ए आर कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, चलो इसमें से जवाब बताओ, सोमिल का जवाब सही है ना, और ऋषभ का जवाब सही है ना, और कोई पूर्वी का जवाब सही है, पूर्वी तो पहले ही जवाब बता दी थी इसका बिना ऑप्शन दिए ही, तो देखो बेटा ऐसे सवाल आप लोग कर रहे थे ना, सवाल नहीं कराते, सवाल आप तब करोगे ना जी जब क्लास करोगे, आप लोग क्लास ही नहीं करते,
सबसे बड़ा ब्लंडर ये है, आप लोग क्लास ही नहीं करते। एक बात मैं ध्यान से बता दूं, खुद की पढ़ाई के लिए अगर जो आपको दूसरे से मोटिवेशन लेना पड़ रहा है तो फिर कड़वी सच्चाई है, फिर आपका जो सक्सेस पॉइंट है ना बहुत दूर है। अगर जो आपको खुद पढ़ाई करने के लिए मोटिवेशन दूसरे से लेने की जरूरत पड़ रही है तो फिर आपका लक्ष्य बहुत दूर है बेटा, आप बहुत कठिनाई से गुजरने वाले हो, फिर पढ़ाई का रास्ता तो आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। आप जब खुद पढ़ाई कर रहे हो तो खुद ब खुद मोटिवेट होना है, अपने परिवार की स्थिति देख के, अपने दोस्तों का सर्किल देख के, अपने से बड़े लोगों को देख के, कैसे भी आपको खुद मोटिवेट होना है। दूसरा का जो मोटिवेशन देके आपको कर रहा है वो ज्यादा देर तक चलता भी नहीं, वो तो उसी तरीके से ना गाड़ी में पेट्रोल भर दिया, जब तक पेट्रोल है तब तक चल रहा है। तो ये बात ध्यान रखना है। इसका जवाब होगा ग्रेट निकोबार। इसका जवाब ग्रेट निकोबार होगा। चलो अब एक बार मैं अंडमान निकोबार रिवाइज कराऊंगा, उसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे पहुंच जाएंगे, ठीक है? एक बार हम अंडमान निकोबार रिवाइज करेंगे। देखो ध्यान से, यही अंडमान निकोबार मैंने बताया था, एक बार देख लो। ये कोको चैनल है, इसके इधर म्यांमार है, ठीक है? ये म्यांमार है, ये म्यांमार और ये भारत है, मतलब यहां से लेके ये पूरा भारत है इंडिया। तो ये कोको चैनल भारत और म्यांमार के बीच समुद्री सीमा बनाता है। देखो ये नॉर्थ अंडमान, ये मिडिल अंडमान, ये देखो साउथ अंडमान। साउथ अंडमान पे देखो राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है? ये बायरन आइलैंड बताया गया था, ये नारकोंडम बताया गया था, दोनों के दोनों ज्वालामुखी द्वीप। देखो लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान और मतलब अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है। फिर देखो एक कार निकोबार, फिर यहां देखो लिटिल निकोबार, फिर ये देखो ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में यहां देखोगे आप इंदिरा पॉइंट, इसी ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट। अब फिर से देखो यहां एक देश है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया और इस ग्रेट निकोबार मतलब भारत के बीच ये ग्रेट चैनल। इसके बीच ग्रेट चैनल, यही बातें आपको बताई गई थी, ठीक है? अच्छा अब देखो ध्यान से, अंडमान निकोबार भारत के इस साइड है। देखो ध्यान से, ये वाला, ये सब अंडमान निकोबार है, ये आपका इंडोनेशिया है, और यहां से ये वाला ये म्यांमार है, यहाँ बीच में ऐसे कोको चैनल है। तो ये अंडमान निकोबार तो भारत के किधर है, ये अंडमान निकोबार भारत के पूर्वी साइड है, ये भारत के पूर्वी दिशा में है, पूर्वी साइड में है, ठीक है? अब अंडमान निकोबार के बाद इस अरब सागर में कुछ द्वीपों को हमें देखना है, जो आपके अरब सागर में द्वीप है। अरब सागर में देखो यहाँ हल्का सफेद सफेद ये सारे आइलैंड दिख रहे होंगे, इसे कहा जाता है लक्षद्वीप, इसे कहा जाता है लक्षद्वीप। तो चले हम अब इसकी शुरुआत करें, इसकी पढ़ाई हम शुरू करें, जल्दी बोलो लक्षद्वीप शुरू किया जाए, बताओ बेटा, थोड़ा अलर्ट रहना, ठीक है? थोड़ा अलर्ट रहना एकदम, जो भी चीजें बताई जा रही हैं उसे मन, अच्छा बेहतर तो यही होगा कि नोट करना। देखो ये लक्षद्वीप, लक्षद्वीप कुल मिला जुला के इसमें 36 द्वीप हैं, भारत के कब्जे में 36 द्वीप हैं, 36 द्वीप हैं। देखो 35 तो ये हैं, 35 द्वीप तो ये हैं, बाकी एक यहां देखो ये है, एक आइलैंड ये है, और ये पूरा का पूरा लक्षद्वीप है जो भारत का एक यूनियन टेरिटरी है, मतलब संघ राज्य क्षेत्र है। अब इन 36 द्वीपों में, इन 36 द्वीपों में ये वाला जो आइलैंड आपको दिख रहा है, इसी को कहते हैं कावरत्ती, ये राजधानी है, ये अंडमान निकोबार लक्षद्वीप की राजधानी है। तो कावरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। फिर से देखो ये एक आइलैंड आपको दिखा बिट्रे, और यहां एक आइलैंड आपको दिखा ये वाला एंड्रोट,
बिट्रे जो है ये सबसे छोटा आइलैंड है। बिट्रे जो है ये अंडमान निकोबार का सबसे छोटा द्वीप है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं पहला पॉइंट, बिट्रे इज स्मॉलेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। बिट्रे लक्षद्वीप का सबसे छोटा आइलैंड है। नंबर दूसरा पॉइंट भी लिख सकते हैं, एंड्रोट इज लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। एंड्रोट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। तीसरी बात आप क्या लिखोगे, देखो ये कावरत ये तो राजधानी है। अब ध्यान से देखो, ये जो 35 आइलैंड का ग्रुप है, इस आइलैंड और ये जो मिनी कॉय है जो सबसे साउथ में आइलैंड है, इसके बीच भी एक चैनल है जिसे कहा जाता है 9 डिग्री चैनल। इसके बीच एक चैनल है जिसे कहा जाता है 9 डिग्री चैनल। तो आप क्या कहोगे, ऐसे लिख लेना है, ध्यान से देखो मैं बोल रहा हूं, आप चाहो तो लिख सकते हो, 9 डिग्री चैनल इज ए डिवाइडिंग लाइन। 9 डिग्री चैनल एक विभाजन रेखा है, एक डिवाइडिंग लाइन है, किसके किसके बीच, ये मेन लक्षद्वीप आइलैंड, ये जो मेन लक्षद्वीप आइलैंड है 35, और उसके बाद साउथ में एक आइलैंड है जिसका नाम मिनी कॉय है, ये मिनी कॉय भी लक्षद्वीप का है। तो इसके इसके बीच डिवाइडिंग लाइन है, इसके इसके बीच डिवाइडिंग लाइन। अंतिम में देखो, ये देखो दिया है 8 डिग्री चैनल, मिनी कॉय के बाद 8 डिग्री चैनल है, और इसके बाद यहाँ एक दूसरा देश है ऐसे छोटे छोटे आइलैंड का, और इस देश का नाम मालदीव है। मतलब मालदीव भारत का पड़ोसी देश है, और मालदीव एट डिग्री चैनल, मालदीव और भारत के मध्य जो समुद्री सीमा है, मालदीव भारत के मध्य जो सी बाउंड्री है, जो समुद्री सीमा है, इंडिया में कौन सा, मिनी कॉय और मालदीव। तो भारत और मालदीव के मध्य समुद्री सीमा बनाता है ये 8 डिग्री चैनल। ये 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव के मध्य समुद्री सीमा बनाता है, और 9 डिग्री चैनल क्या करता है, लक्षद्वीप को 35 द्वीप को नॉर्थ में, और इसके साउथ में एक द्वीप है जिसे कहा जाता है मिनी कॉय। डन। तो 3-4 बातें इसमें से आ सकता है। ये डिग्री चैनल कभी कभी पूछा जाता है, जैसे पिछले साल एयरफोर्स का एग्जाम हुआ था, उसमें से 2 डिग्री चैनल, मतलब ऐसे 2 क्वेश्चन आए थे डिग्री चैनल से ही। एक अंडमान निकोबार में 10 वाला आया था और ये 8 वाला आया था, ठीक है। 2 क्वेश्चन इसी से आ गए थे। कभी कभार जब एग्जामिनर क्वेश्चन डालते हैं, तो आजकल आपको समझना होगा कि आजकल जो आपके क्वेश्चन डाले जाते हैं वो सॉफ्टवेयर होता है, एक CD होती है, उस सॉफ्टवेयर में हर टॉपिक से, जैसे मान लीजिए मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसे हर टॉपिक से क्वेश्चन डाले जाते हैं। तो किसी किसी पेपर में किसी एक ही टॉपिक से 2-2, 3-3 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन डाल दिया, काम खत्म हो गया, है ना। किसी एक टॉपिक से कुछ और क्वेश्चन डाल दिया, तो इस टाइप के क्वेश्चन डाले जाते हैं। समझ में आ रही बात है। चलो, तो बेटा लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, अब हम एक नए चैप्टर की तरफ आएंगे। देखो ध्यान से, रेडी हो, शुरू करें। हम पढ़ेंगे सॉयल, मिट्टी, हम पढ़ेंगे सॉयल, मृदा, मिट्टी। देखो, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, जो हेडक्वार्टर ऑफ ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसका जो हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, और ये
इसने भारत में जो मिट्टी है बेटा, भारत में मिट्टी अगर जो देखोगे ना तो कई प्रकार की है, मतलब उसमें कितने प्रकार हो जाएंगे, लेकिन भारत में जो मिट्टी है इस प्रकार से बांटा था आईसीएआर ने। एक बार इसे देख लीजिए, एक बार इसे पढ़ लीजिए, मन करे लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पढ़ लिए, देख लो, पहले पर है रेड सॉयल, दूसरे पर ब्लैक सॉयल, तीसरे पर लेटराइट्स, चौथे पर है सैलाइन एंड एल्कलाइन सॉयल। सैलाइन एंड एल्कलाइन, सैलाइन मतलब साल्ट वाली मिट्टी जिनमें लवण हो, एल्कलाइन मतलब क्षार वाली मिट्टी जो क्षारीय हो, क्षार अम्ल आप जानते होंगे, बेस एसिड ये आप जानते होंगे। तो फिर उसके बाद पीट एंड में मिलती हो, जहां बारिश 40 से 60 सेंटीमीटर होती हो, जैसे मध्य प्रदेश विंध्याचल वाला रीजन। फिर आपने देखा एलुवियल सॉयल, जो सबसे अच्छी क्वालिटी की मिट्टी भारत में मिलती है। फिर देखा आपने फॉरेस्ट सॉयल, वनों की मृदा। तो देखो बाबू, इन सारी मिट्टी को आपको मेरे हिसाब से पढ़ना, इस क्रम में हम नहीं पढ़ेंगे, हम अपने हिसाब से आपको पढ़ाएंगे, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन इन सबों को जानने के पहले, इन सभी को जानने से पहले थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आपको समझने हो, तो उस कॉन्सेप्ट के लिए तैयार हो। हमें कॉन्सेप्ट समझने हैं, देखो हम मानते हैं, हम मान लेते हैं थोड़ी सी एक आध बात कुछ मानते हैं, जैसे हम मानते हैं कोई चट्टान हो, मान लेते हैं रॉक ही हमने लिखा, रॉक मानते हैं कोई चट्टान हो, कोई चट्टान हो, समझना ध्यान से, कोई चट्टान हो। अब इस चट्टान में हो क्या रहा है, इस चट्टान में मौसम का प्रभाव हो रहा है, मौसम का प्रभाव, वेदरिंग हो रहा है। वेदरिंग से होता क्या है, वेदरिंग से समझना, वेदरिंग से क्या हो रहा है, वेदरिंग से बेटा क्या होता है, जैसे वेदरिंग, पहली बात वेदरिंग है क्या, वेदरिंग उसे कहते हैं जब मौसम का प्रभाव किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगे, दैट्स कॉल्ड वेदरिंग। और वेदरिंग में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे तापमान का बढ़ जाना, तापमान का कम हो जाना, बारिश होना, हवा चलना, मतलब मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं उनका प्रभाव अगर जो पड़ रहा हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे वेदरिंग कहते हैं, उसे मौसम का प्रभाव कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, मौसम का प्रभाव। तो अगर किसी चट्टानों में, अगर किसी चट्टान में वेदरिंग हो रहा है, मौसम का प्रभाव हो रहा है, तो वो चट्टान धीरे धीरे करके छोटी होती जाती है, कैसी होती जाती है, छोटी हो जाती है, छोटी हो जाती है वो चट्टान। अब वो चट्टान अगर जो छोटा होता गया वेदरिंग से, वेदरिंग से वो चट्टान छोटा होता गया, तो उससे जब चट्टान है तो चट्टान का छोटा रूप क्या कहलाया, उसे कहते हैं बाउल्डर। उसे हिंदी में कहते हैं गोलाश। मान लिया कि ये गोलाश भी छोटा हो जाए, ये भी छोटा हो जाए, तो गोलाश के छोटे रूप को कहा जाता है ग्रेवल, बजरी। बजरी भी छोटा हो जाए, बजरी के छोटे रूप को कहते हैं सिलिका, रेत या बालू आप कह सकते हो। बालू का भी छोटा रूप जो होता है, ये भी छोटा होता जाए, उसे कहते हैं सिल्ट। सिल्ट भी छोटा हो जाए, सिल्ट के छोटे रूप को कहा जाता है क्ले, चीका हिंदी इसकी होती है। क्ले को भी छोटा कर लो, क्ले के छोटे रूप को कह दिया जाता है मड, मड मतलब कीचड़, पंक
अगर जो कोई चट्टान हो उसमें मौसम का प्रभाव होने लगे, मौसम का प्रभाव का मतलब उसमें बारिश हो, तापमान हो, जैसे आप ऐसे भी देखते होगे ना, एक कोई साधारण कोई भी ऑब्जेक्ट हो आप छत पे रख दीजिए, उस पर धूप पड़े बारिश पड़े तो धीरे 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 डिग्रेडेट होता है, मतलब उसमें कटना छटना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ऐसे ही किसी भी चट्टान में, इसी को ध्यान से देखो, किसी भी चट्टान में अगर जो उसमें वेदरिंग हो तो छोटा होके बाउल्डर बन जाता है, वो भी छोटा होके ग्रेवल बन जाता है, फिर छोटा हुआ तो सिलिका कहलाएगा, और छोटा हुआ तो सिल्ट कहलाएगा, और छोटा हुआ तो क्ले कहलाएगा, और छोटा हुआ तो मड या कीचड़ कहलाएगा। मतलब चट्टानों के सबसे छोटे रूप को, किसी भी रॉक के सबसे छोटे रूप को ही क्या कहते हैं, मड, कीचड़ कहते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? जल्दी बताओ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अब देखो अगली बात, मान लेते हैं ये बताओ क्या क्या हमने लिया, इसे बताओ क्या क्या हमने लिया, बोलो क्या लिया, सिलिका सिल्ट एंड क्ले, क्या क्या हमने लिया, सिलिका सिल्ट एंड क्ले, सिलिका सिल्ट एंड क्ले। तो देखो इन्हीं तीनों के नेचुरल कंपोजिशन को इन्हीं तीनों के नेचुरल कंपोजिशन को ही कहा जाता है सॉयल। अब आप लोग लिख के मुझे भेजो, अगर जो आपसे पूछे कि सॉयल क्या है तो आप क्या बोलोगे, आपसे कोई पूछे व्हाट इज सॉयल तो एक लाइन में अगर जो आपको बोलना हो तो आप क्या बोलेंगे, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, फिर हम आगे बढ़े। बोलो, आपसे कोई पूछे सॉयल क्या है, व्हाट इज सॉयल, तो आप क्या बताएंगे, ऐसे बोलेंगे सिलिका सिल्ट, या ऐसे नेचुरल कंपोजिशन ऑफ सिलिका सिल्ट एंड क्ले कॉल्ड सॉयल, रेत सिल्ट और चीका का प्राकृतिक मिश्रण ही मृदा कहलाता है या मिट्टी कहलाता है। इतनी बातें हो गई, ठीक, आगे बढ़ो, फिर से देखो। अब ऐसी मिट्टी की बात हम कर रहे हैं, मान लेते हैं कोई ऐसी मिट्टी हो जो जिसमें सिलिका भी सिल्ट भी और क्ले भी बराबर बराबर मात्रा में हो, तो ऐसी मिट्टी को लोम्ड या दोमट, नहीं तो इंडिया में ऐसी मिट्टी को कहा जाता है एलुवियल सॉयल, जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो ऐसी मिट्टी जिसमें सिलिका सिल्ट और क्ले एकदम बराबर बराबर हो, तो ऐसी मिट्टी को दोमट या जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। दोमट स्ट्रक्चर इसका हुआ, कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। अब आप एक बात बताओ, दूसरे पेज पे आ जाते हैं। अब आप एक बात बताओ, अगर जो आपसे ऐसे लिख दिया जाए कि इधर सिलिका, फिर इससे छोटा क्या है, बोलिए भाई, आप लोग बोलते ही नहीं, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। सिलिका से छोटा क्या लिखा है, सिल्ट, फिर से इससे छोटा क्या लिखा है, क्ले, इसे छोटा लिखा है क्ले। तो अगर जो आपको ये पता चल गया कि इन्हीं यही तीनों मिट्टी हैं, यही तीनों का नेचुरल कंपोजिशन सॉयल कहलाता है, तो देखो इससे संबंधित कुछ बातें, जैसे मान लेते हैं एक पहली प्रकार की मिट्टी मिली, ध्यान से समझना, अब यहां सब लोग अलर्ट हो, पहले तो मैसेज करके बताओ सब लोग अलर्ट हैं कि नहीं, एकदम पूरी तरीके से अलर्ट हो, ठीक ठीक ठीक, तो ध्यान से समझना बेटा। देखो पहला, मान लेते हैं कोई ऐसी मिट्टी मिले भारत में जिसमें सिलिका ज्यादा हो, सिलिका अधिक हो, मतलब रेत अधिक हो, क्या दो कम हो, सिल्ट और क्ले, ये दोनों इसकी तुलना में कम है। अब ध्यान से समझना,
अगर जो ये दोनों इसकी तुलना में कम होंगे तो बताओ बड़े कणों वाली मिट्टी होगी या छोटे कणों वाली मिट्टी होगी, बस ये जवाब बता दो। इस मिट्टी का मृदा के कण जो होंगे ये बड़े होंगे या छोटे होंगे, पहले तो ये बता दीजिए। बड़े होंगे। बड़े होंगे। इस मिट्टी के मृदा के कण कैसे होंगे? बड़े होंगे। अब जब मृदा के कण बड़े होंगे तो एक बात बताओ, बड़े कणों वाली मिट्टी में अगर जो आप पानी डालो, जैसे बालू में आप पानी डाल दो एक गिलास, तो क्या पानी रुका रहता है या नीचे की तरफ तुरंत चला जाता है? जवाब देना है तब हम यहां लिखेंगे। पानी ऊपर की तरफ, आप बालू में एक गिलास पानी डाल दीजिए, बालू में रेत में गिलास नीचे की तरफ चला जाएगा, मतलब छन के इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा। तो जिस भी मिट्टी में मृदा के कण बड़े होते हैं उस मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता जो होती है बेटा वो कम होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है? कम होती है, मतलब वो पानी को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता, फट से नीचे चला जा रहा है क्योंकि मिट्टी के कण बड़े होते हैं इसके। फिर से, जब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हुई तो बेटा एग्रीकल्चर भी क्या हुआ, कृषि भी क्या हुआ, कम हुआ। और कृषि अगर जो कम हुआ तो इसमें कौन कौन सी फसलें होंगी जो कम पानी वाली हो? ऐसी फसलें जिनमें दाल होती हो, पल्सेस, ऐसी फसलें जो तेल वाली फसलें हैं, तिलहन, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ये सारी फसलें इसमें होती हैं। अब अगली बात, ऐसी मिट्टी भारत में एक तो है एरिड सॉयल, एक तो है रेड सॉयल। तो एरिड सॉयल इसी को डेजर्ट कहते हैं, या कौन सी मिट्टी? रेड सॉयल। तो लाल और शुष्क मिट्टी जो है यही भारत में इस प्रकार की मिट्टी है, जिसमें कौन कौन सी फसल होती है? दलहन फसल होती है, तिलहन फसल होती है। हम एक एक मिट्टी के बारे में पढ़ाएंगे, बस अभी इक्वेशन समझो। अब हमने क्या देखा, पहले पॉइंट पे हमने क्या देखा, पहले पॉइंट पे हमने देखा कि भाई अगर जो किसी में सिलिका ज्यादा हो, मतलब बड़े कण ज्यादा हो, दोनों छोटे कण कम हो, तो वो भारत में लाल मिट्टी है और मरुस्थलीय मिट्टी या शुष्क मिट्टी है जिसमें खेती की मात्रा कम होती है। अब दूसरा देख लो, दूसरा देखो, नंबर सेकंड। अब इसे ले लेते हैं, किसे? क्ले। ऐसी मिट्टी जिसमें क्ले जाते हो तो क्या दो कम हो, सिलिका और सिल्ट, ये दो कम हो। अब ऐसी मिट्टी को क्ले टाइप सॉयल कहते हैं, जिस प्रकार ये इस मिट्टी को सिलिकेट सॉयल कहते हैं, मतलब बलुई मिट्टी। तो भारत में लाल मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी बलुई मिट्टी कहलाती है। तो देखो, क्ले ज्यादे हो मतलब छोटा कण ज्यादे हो, सिलिका और सिल्ट कम हो, तो इसे कहते हैं चीका प्रकार की मृदा। देखो, ऐसी मिट्टी भारत में एक है ब्लैक सॉयल, काली मृदा। ऐसी मिट्टी जो भारत में है उसे क्या कहते हैं? काली मिट्टी। क्या कह दिया जाता है? काली मिट्टी। फिर से ध्यान से देखो, अब इसी का उल्टा लिखते हुए चले जाइए। अगर जो ये एक चीका प्रकार की मृदा है तो इसमें ये इसके साइज ऑफ सॉयल, पहले तो क्या लिखेंगे, इसके मृदा के कण, हिंदी यहां लिख दे रहे हैं, वहां इंग्लिश लिखा गया है। तो इसमें मृदा के कण, मिट्टी के जो कण हैं वो कैसे होंगे? वो छोटे होंगे। मिट्टी के कण जब छोटे हैं तो जाहिर सी बात है जल धारण क्षमता वो अधिक होगी, और जल धारण क्षमता जब अधिक होगी तो यहां वैसी भी फसलें हो जाएंगी जिनको पानी की ज्यादा जरूरत है, धान, तंबाकू, गन्ना, मतलब खाद्यान्न फसलें भी यहां हो सकती हैं। चलो बताओ, इतने यहां से कोई दिक्कत?
किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहां तक? जल्दी बताइए। चलो, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बारी बारी करके एक एक सॉयल को पढ़ेंगे, एक एक मिट्टी को पढ़ेंगे। देखो देखो, आज पहले पर हम पढ़ेंगे एलुवियल सॉइल। जलोढ़ मिट्टी पहला पॉइंट इसका। जलोढ़ मिट्टी एक इक्सीटु सॉइल है, एक परस्थानिक मृदा है। आप लोगों को अगर जो होगा तो इसे लिखा करना, परस्थानिक मृदा है। परस्थानिक मतलब ये दूसरे जगह से, इसका मतलब क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, ये दूसरे जगह से लाई गई है। ये दूसरे स्थान से लाई गई है, और कौन दूसरे स्थान? ये लाई गई है पर्वतों से, कहां? मैदान में। और इसे पर्वतों से मैदानों में लाया कौन? नदियां। तो बाई रिवर। तो ये जो इक्सीटु सॉयल है, ये जो जलोढ़ मिट्टी है, इसका पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट ऐसे कर सकते हो, ये पर्वतों से नदियों के द्वारा मैदानों में लाई गई है। मतलब पर्वत पर जो चट्टाने होती हैं, उन चट्टानों को नदियों ने अच्छे से काटा, उन चट्टानों को नदियों ने काट कर बाउल्डर बनाया, ग्रेवल बनाया, सिल्ट सिलिका क्ले बनाते बनाते, जैसे गंगा नदी उत्तराखंड से निकली, उत्तराखंड से निकलने के बाद ये नदी उस सारे हिमालय को काट काट कर अपने अंदर बालू सिल्ट गाद ले लेके आके भारत के उत्तरी मैदान में जमा कर दी। तो ये नदियों द्वारा पर्वतों से मैदानों में लाई जाती है, इसीलिए इसे इक्सीटु सॉइल कहते हैं। दूसरा, इसका दूसरा नाम भी लोग कह देते हैं इक्सीटु के साथ, या ऐसे कह देंगे ये ट्रांसफरेबल है, ये स्थानांतरित मृदा है। स्थानांतरित का मतलब आप देख ही रहे हो, इसका ट्रांसफर हुआ है, कहां से? पर्वतों से मैदानों में, तो ट्रांसफर हुई है। नंबर आप तीसरा पॉइंट इसे कर सकते हो। एलुवियल जो सॉइल है, जलोढ़ जो मिट्टी है, इसका जो एरिया होता है मोस्टली ये लोकेटेड होती है, मुख्यतः ये स्थित होती है नदी घाटी क्षेत्रों में। ये मुख्यतः कहां स्थित होती है? नदी घाटी क्षेत्र में होती है, मुख्यतः इसका एरिया नदी घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, तो नदियों के किनारे ही ये मिलती है। और अगर जो कहा जाए इसका मैक्सिमम एरिया, इसका मैक्सिमम एरिया, तो इसका मैक्सिमम एरिया जो है बेटा वो पाया जाता है गंगा रिवर। इसका मैक्सिमम एरिया कहां पाया जाता है? गंगा नदी तंत्र में या गंगा रिवर सिस्टम में, गंगा नदी तंत्र या गंगा रिवर सिस्टम में। इतनी बातें समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं यहां तक? अब देखो अन्य क्षेत्र, अन्य क्षेत्र जो हैं इस नदी के या इस मिट्टी के, अन्य क्षेत्र कहां कहां मिलते हैं? तो देखो अन्य क्षेत्रों में सबसे पहला ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, दूसरा नर्मदा,
ताप्ती नदी वाला क्षेत्र, महानदी क्षेत्र, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, पेन्नार नदी बेसिन, ठीक है, अन्य अन्य जो भी नदियां आपको दिख रही हैं, उन नदियों के बेसिन में जो, उन नदियों के किनारे, उन नदियों के एरिया में जो नदी मिल, जो मिट्टी मिलेगी, वही कौन सी मिट्टी है? एलुवियल सॉइल। वही कौन सी मिट्टी है? एलुवियल सॉइल। डन, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। फिर से देखो, ये जो एलुवियल सॉइल है बेटा, ये जो एलुवियल सॉइल है, ये दो प्रकार की है। ये जो एलुवियल सॉइल है, ये दो प्रकार की है। देखो, एक प्रकार की एलुवियल सॉइल जो पुराने समय में बन चुकी है, पुराने समय में बन चुकी है, एक प्रकार की एलुवियल सॉइल जो नया बन रही है, एक तो पुराने समय में बन चुकी है, एक नया बन रही है। दूसरा देखो, ये जो पुराने समय में बन चुकी एलुवियल सॉइल है, ये ऊंची भूमि क्षेत्र में पाई जाती है। मतलब ये कहां पाई जाती है? जहां ऊंची भूमि हो, मतलब जहां एरिया ऊंचा हो, एरिया ऊंचा हो। नई जो जलोढ़ मिट्टी है, ये वहां पाई जाती है जहां एरिया नीचा हो। देखो, पुरानी भूमि जो क्षेत्र होती है, ये पुराना क्षेत्र, पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है, जब यहां ऊंची भूमि होती है बेटा, तो इस, ये जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, ये बाढ़ प्रभावित नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहां तक पानी पहुंच ही नहीं पाता। मैंने आपसे पहले ही कहा, ये ऊंची भूमि में पाया जाता है। ये जो नई जलोढ़ मिट्टी है, ये लो लैंड एरिया में होती है, ये यहाँ हमेशा नदियां पहुंच जाती है, बाढ़ आ जाती है, इसलिए तो नहीं है, इसलिए तो हमेशा बन रही है। तो ये यहाँ ये बाढ़ प्रभावित होता है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, ऐसे पूछ लेगा कौन सी मिट्टी बाढ़ प्रभावित नहीं है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, ये जो पुरानी जलोढ़क मिट्टी है, इसे कहा जाता है, अन्य नाम से इसे कहा जाता है बांगर। इसे क्या कहा जाता है? बांगर। नई जलोढ़ मिट्टी जो है, इसे कह दिया जाता है खादर। नई जलोढ़ मिट्टी जो है, इसे क्या कह दिया जाता है? खादर। तो देखो, ऐसे भी पूछ लिया जाता है, ऐसे भी एग्जाम में पूछ लिया गया बांगर, ऐसे चार ऑप्शन दे दिया गया, बांगर, खादर और दो नाम दे दिया गया। इसमें से कौन सी मिट्टी बाढ़ प्रभावित होती है, तो आपको पता होना चाहिए। इसी नई जलोढ़ मिट्टी का ही नाम क्या होता है? खादर। इसी नई जलोढ़ मिट्टी का नाम खादर होता है, और यही बाढ़ प्रभावित होती है। और बाढ़ प्रभावित क्यों होती है? क्योंकि ये कैसे क्षेत्र में मिलती है? ये निम्न भूमि क्षेत्र में मिलती है। कैसे क्षेत्र में मिलती है? निम्न भूमि क्षेत्र में मिलती है। और ये बाढ़ प्रभावित क्यों नहीं होती? क्योंकि बेटा ये उच्च भूमि क्षेत्र में मिलती है। ऊंची भूमि क्षेत्र में मिलने के कारण ही तो ये पुरानी हुई, क्योंकि यहां नदियां पहले आती थी, मतलब बाढ़ पहले आता था, तो नदियां अपने साथ बालू मिट्टी सब ला के उसे जमा करती थी, नया हो जाता था मिट्टी। लेकिन अब ऊंची भूमि पर हो गया, नदियों ने अपने रास्ता मान लिया, वहां से बदल दिया, करोड़ों साल बीत गए हैं, अब ये पुरानी जलोढ़ है। अब यहां जब नदियों का प्रभाव है ही नहीं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़। और यही एक कारण है बाढ़ का। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है बांगर। इसका नाम क्या है? बांगर। तो खादर और बांगर। इसके बाद बेटा हम अगली मिट्टी, अगले क्लास से अगली मिट्टी को, सारा जो सात बचा है उसे आपको करा देंगे। थोड़े बहुत और मिसलेनियस टॉपिक हैं, वो आपको करा देंगे। एक बार आप और तरीका देख लो, आपको क्या क्या कराया गया इस एमटीएस की क्लास में।
एमटीएस की क्लास में हमने क्लास शुरू किया था रिवर से। रिवर में आपको इंडस पूरा कराया गया, एक बार ध्यान से देख लो, इंडस के बाद आपको ब्रह्मपुत्र कराया गया, आपको गंगा कराया गया, आपको पेनिनसुला कराया गया, दो पार्ट में कराया गया, फिर आपको पूरा फिजिकल ज्योग्राफी कराया गया, कहां से हिमालय से लेकर अंडमान निकोबार तक पूरा कराया गया, फिर आपको का शुरू हो रहा है सॉयल। मतलब इस तरीके से बड़े बड़े चैप्टर आपको कराए गए। अब हमारा सॉयल चैप्टर चल रहा है, जो आपका इतना इतनी क्लास निर्धारित थी कि इंडियन ज्योग्राफी आपको इतना डिटेल बता दिया जाए, ठीक है। इस पर सारे टॉपिक पे क्वेश्चन भी दे दिए गए हैं आपके बैच के लिए, स्पेशली फिर दे भी दिए जाएंगे। और ये सारा मतलब हमारा ये सॉयल वाला चैप्टर बचा हुआ है, यही हमें करना, ठीक। तो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू। इसे आप लोग रिवाइज कीजिएगा, फिर मिलते हैं।